एगलेस केक बनाने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए पाउडर शुगर हाफ कप, मैदा एक कप, बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टी स्पून, टूटी फ्रूटी 1/3 कप, मिल्क हाफ कप, रिफाइंड ऑयल एक कप और कंडेंस मिल्क वो भी एक कप। कंडेंस मिल्क और रिफाइंड ऑयल दोनों की क्वांटिटी इक्वल होगी। और उसके बाद चाहिए वैनिला एसेंस 1 टीस्पून या फिर एक कैप जिस पे लगा है उससे ले लें। और इसके बाद सारे सामान को साइड में हटाकर एक मिक्सिंग बोल लेंगे और उसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तो चलिए रिफाइंड ऑयल निकाल लेते हैं इसमें। अब इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। अब कंडेंस मिल्क डालने के बाद इसे अच्छे से एक विस्कर से विस्क करेंगे। ये हैंड मिक्सर है मेरे पास, इसे अच्छे से फेंट लें ताकि इसमें कंडेंस मिल्क और ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसमें पाउडर शुगर डालेंगे और इसे 4 से 5 मिनट के लिए इतने अच्छे से फेंटेंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए और बिल्कुल क्रीमी हो जाए। तो अब चीनी इसमें घुल गई है, 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और इसके बाद इसे अच्छे से चाल लें और इसके बाद इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और आधा दूध डाल देंगे। अब इसमें बाकी का बचा हुआ दूध डाल दें और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें डालेंगे टूटी फ्रूटी, इसमें टूटी फ्रूटी डालेंगे और थोड़ा बचा लेंगे ऊपर से डालने के लिए। ये मिक्स हो गया। अब इसे एक बेकिंग डिश में एक मोल्ड में ऑयल लगा के उसे अच्छे से रखें ना या फिर बटर लगा लें और उसके बाद इसे पोर कर लें और इसे 35 से 40 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक इसे बेक करना है और इसे बीच बीच में चेक करते रहें। और बाकी का टूटी फ्रूटी डाल दिया ऊपर से। अब जब ये केक बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसे एक नाइफ लेना है और इसके साइड से इसको रिलीज़ करेंगे और उसके बाद जो है एक प्लेट लेंगे और प्लेट में इसको टर्न करके निकाल लें, ये आसानी से निकल जाएगा। अब बटर पेपर निकाल दें। बटर पेपर से ये फ़ायदा होता है कि केक चिपकता नहीं है नीचे। अब इसके पीसेस काट लें और उसके बाद ये रेडी है एगलेस केक। जो अंडे नहीं खाते उनके लिए ये केक है। एगलेस केक बन के रेडी हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।